फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं न्यूली लॉन्च जापानीज हैचबैक का, जो कल ही इंडिया में लॉन्च हुई है। इसका नाम है मारुति सुजुकी वैगन आर। 4,70,000 से लेकर 6,40,000 तक इसका प्राइस रेंज रखा गया है ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में। आती है पेट्रोल इंजन के साथ 1 लीटर एंड 1.2 लीटर। 3 वेरियंट्स में आती है, L, V और Z। इसके टोटल 12 वर्जन है। ये जो आपके सामने मॉडल खड़ा है, ये है ZXi मैनुअल ट्रांसमिशन, जो पड़ता है 5,90,000 का ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में। अगर आप EMT लेते हैं, वो पड़ता है 6,40,000 का। ZXi मॉडल में सिर्फ 1.2 लीटर का ही ऑप्शन मिलता है। V मॉडल में आप 1 लीटर या 1.2 लीटर का ऑप्शन पा सकते हैं, एंड बेस मॉडल में आपका 1 लीटर ही आता है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्री टेंशन एंड फोर्स लिमिटर्स, फ्रंट सीट बेल्ट्स रिमाइंडर विद बजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, सेंट्रल लॉकिंग एंड चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक्स। ये सब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं इस न्यू वैगन आर में। और यहाँ मिलते हैं यूनिक डुअल स्प्लिट हेडलैम्प्स, उसके नीचे है साइड टर्न इंडिकेटर्स, और ये इसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन ग्रिल। और नीचे मिलते हैं आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स, ये टॉप वेरिएंट का ही फीचर है, ZXi में ही आता है। और ये इसकी लोअर ग्रिल। 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है न्यू वैगन आर में। और यहाँ मिलते हैं आपको स्टील व्हील्स, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता इस वाले भी वैगन आर में। इनका टायर साइज है 165x70 R14 का, व्हील कवर्स के साथ आता है ये। और L मॉडल में आते हैं 13 इंची के स्टील व्हील्स। यहाँ मिलते हैं आपको 2 वाइपर्स, 2 वॉशर के साथ। और ये है इसका एंटीना, और ये इसका रूफ, डिजाइन है रूफ पे। वी पिलर आपका ब्लैक एंड मिलता है मैट फिनिश में, आउटसाइड डोर हैंडल बॉडी कलर्ड, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है न्यू वैगन आर में। और ये है इसका रियर प्रोफाइल लुक, कंप्लीटली चेंज लुक हो गया है न्यू वैगन आर का, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। स्कल्प्टेड डिजाइन है, और ये इसके कन्वेंशनल टेल लैंप, LED का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। टेलगेट अपनी का आपको क्रोम में मिलती है, वैगन आर की एम्बोजिंग है, ये सुजुकी का लोगो। रियर में वाइपर मिलता है विद डीफॉगर एंड वॉशर, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इधर मिलता है आपको रिफ्लेक्टर, ब्लैक एलिमेंट का काम देखने को मिल रहा है रियर बम्पर पे भी। और यहाँ मिलते हैं आपको पार्किंग सेंसर, ये स्टैंडर्ड फीचर है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको रियर बम्पर पे। टेलगेट पे अब मारुति सुजुकी की बैजिंग या वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती है इस वाले जनरेशन मॉडल में, लाइक अदर मारुति कार। ये इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे मिलता है आपको मैक पर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन, एंड पीछे मिलता है टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन, लाइक ओल्ड मारुति वैगन आर। ये इसका साइड प्रोफाइल लुक। एंड डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ लेंथ मिलती है आपको 3655 mm की, जो 56 mm ज्यादा है। विड्थ है 1620 mm, जो 125 mm ज्यादा है। हाइट है 1675, जो 25 mm शॉर्ट है। एंड व्हील बेस है इधर 2435 mm का, जो 35 mm ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड वैगन आर। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इधर मिलता है 170 mm का। मिनिमम टर्निंग रेडियस है 4.7 meters, कर्व वेट है 835 kg का, डिपेंडिंग अपॉन वेरियंट टू वेरियंट। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। और डायमेंशन में चेंजेस के कारण यहाँ बूट स्पेस आपको ज्यादा मिलता है 341 liters का, जो सेगमेंट बेस्ट है। अगर इसकी कंपटीशन की बात करें तो सेंट्रो में मिलता है 235 लीटर का, सेलेरियो में 235 लीटर का, एंड टियागो में 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये है स्पेयर व्हील टायर। एंड बूट में आपको कोई इल्यूमिनेशन लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है न्यू वैगन आर में। ये इसकी रियर पार्सल ट्रे, वी मॉडल से ये फीचर स्टार्ट होता है। और आप रियर सीट्स को 60-40 स्प्लिट फोल्ड भी कर सकते हैं, और बूट स्पेस पाने के लिए 60-40 स्प्लिट फोल्ड का फीचर आपका बेस मॉडल में नहीं मिलता है, ये वी और जेड मॉडल में आता है। इसको करने के बाद आपको मिलता है 710 लीटर्स का बूट स्पेस, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है इस वाली वैगन आर में एज कम्पेयर टू इट्स V1 सेगमेंट कार्स कॉम्पिटिटर्स। और इसको एज अ शॉपिंग बुक आप यूज कर सकते हैं। पे ग्रैब हैंडल का ऑप्शन नहीं मिलता है, रियर में पॉकेट कैमरा का भी ऑप्शन नहीं मिलता इस न्यू वैगन आर में। और ये डिजाइन मैट फिनिश में ऐसी आपको बी पिलर में मिलता
आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ मिलता है आपको फुल्ली ब्लैक डोर, डुअल थीम का ऑप्शन नहीं मिलता लाइक ओल्ड वैगनआर। अभी है डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे। यहाँ मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर का ऑप्शन, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स। ये है इसकी सीट्स, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं आपको रियर सीट्स पे, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे बैक पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलता ड्राइवर साइड सीट के पीछे, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। और यहाँ पे भी कोई कप होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता ना रियर एसी विंच का। और पैसेंजर साइड यहाँ पे बैक पॉकेट मिलती है, और पैसेंजर सीट के नीचे आपको ट्रे भी मिलती है। कुछ ऐसा दिखता है ये इंटीरियर, डुअल डोर इंटीरियर ब्लैक एंड बेज। और इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे भी 1 लीटर बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। वैगनआर में टोटल 2 स्पीकर आते हैं, 4 नहीं आते हैं। ये इसका ग्रैब हैंडल, तीनों जगह ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको। ऐसा दिखता है पीछे से। यहाँ मिलता है चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों डोर्स पे रियर में, कुछ ऐसी दिखती है इसकी की। सेंटर लॉकिंग का फीचर है जो है स्टैंडर्ड फीचर हर वेरिएंट में। ये ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। और इस वाली वैगनआर में आपको फैब्रिक इंसर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता डोर पैक्स पे। और यहाँ है पावर विंडोज के बटन, ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है ड्राइवर साइड विंडो पे, ये मास्टर की लॉक अनलॉक का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ट्रैक कर सकते हैं आप ओआरवीएम्स को। ये है जॉयस्टिक, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, ये फ्रंट बैक पॉकेट। आगे मिलता है स्पीकर का ऑप्शन, ये है एचडीएमआई एडजस्टमेंट का नॉब, ये इजी वेंट, सिल्वर की हाईलाइट का काम है। हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये है इसका स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, ये ऑडियो और नीचे मिलते हैं कॉलिंग के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड का भी फीचर है। टिल स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है आपको न्यू वैगनआर में। यहाँ मिलते हैं आपको लाइट और इंडिकेटर कंट्रोल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर एंड वॉशर के, मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन नहीं मिलता न्यू वैगनआर में। ये डिफॉगर का बटन, और ये हैजार्ड लाइट, और ऊपर है 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन सिस्टम, ये सिल्वर की हाईलाइट का काम है। एसी विंड्स के सराउंडिंग, 4 AC विंड्स मिलते हैं आपको, रियर में एसी विंड्स का ऑप्शन नहीं मिलता। ये इसका डैशबोर्ड का, और इस वाले सनवाइजर पे वैरिटी मिरर का ऑप्शन मिलता है। और ये है ब्लूटूथ माइक, रीडिंग लैंप्स, आयर व्यू में आपके एडजस्टेबल मिलते हैं। और इस वाले सनवाइजर में टिकट होल्डर का ऑप्शन, और ये है इसका ग्लव बॉक्स विदाउट इल्यूमिनेशन, ठीक ठाक स्पेस मिलती है इधर। और इस वाले गेट को खोलेंगे तो यहाँ पे भी फ्रंट मैप पॉकेट मिलती है विद वाटर होल्डर, स्पीकर मिलता है आपको यहाँ पे, टोटल 2 स्पीकर मिलते हैं आपको। और यहाँ मिलता है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, उसके साथ है यूएसबी और ऑक्स के पोर्ट्स, और उसके नीचे मिलता है स्पेस, काफी डीप स्पेस है इधर। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, AMT का भी ऑप्शन है 5-speed में। यहाँ मिलते हैं 2 cubby holes, एक छोटा और एक बड़ा। हैंड ब्रेक क्रोम का काम देखने को मिल रहा है इधर। और यहां से खुलता है इंजन बोनट, और ये इसके पेडल्स, कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर न्यू वैगनआर का। और ये पीछे से काफी स्पेस बढ़ गई है पहले से, कुछ नहीं आप देख सकते हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको हर वेरिएंट में, फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलता, आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आप स्पेस देख सकते हैं इस गाड़ी की, व्हील बेस 35mm बड़ा है इस वाली वैगनआर में। और ये फ्रंट पैसेंजर डोर, डुअल टोन थीम बेज एंड ब्लैक। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद टैकोमीटर, ये भी टॉप वेरिएंट का फीचर है। टैकोमीटर आपका वी और एल मॉडल में नहीं मिलता है। वाली नॉब से आप पा सकते हैं मल्टी इंफॉर्मेशन, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज, डुअल ट्रिप लीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, डिजिटल टाइम एंड फ्यूल कॉस्ट भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार लुक आ रही है इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और यहाँ पे मिलते हैं वाइट इल्यूमिनेशन, ये भी टॉप में इंटर फीचर है। अगर आप बी और एल लेते हैं तो उधर रेडिश एम्बर इल्यूमिनेशन मिलती है। और ये है इसका 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन सिस्टम, सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले एंड नेविगेशन जैसे फंक्शंस।
पे आप व्हीकल अलर्ट भी पा सकते हैं। सिस्टम और ये टॉप पे कहीं भी चला है, जेड मॉडल्स में ही आता है, तो कुछ ऐसी है साउंड दो स्पीकर्स की। ऑटो डाउन का फंक्शन ड्राइवर साइड विंडो पे, ऑटो अप का नहीं मिलता, सिर्फ ऑटो डाउन का मिलता है। और यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्ट कर सकते हैं ORVM को, ये भी टॉप वेरिएंट का ही फीचर है, वी मॉडल में नहीं आता है। और इस चॉइस सीट से आप एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ये आपका वी मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। एंड एसेसरीज में आप काफ़ी कुछ लगवा सकते हैं न्यू वैगन आर में, फ्रंट एक्सटेंडर, रियर एक्सटेंडर एंड साइड एक्सटेंडर का ऑप्शन मिलता है हर कलर में, डुअल टोन में आता है ये। सीट्स कवर का भी ऑप्शन मिलता है आपको न्यू वैगन आर में, PU या फैब्रिक में आप करा सकते हैं सीट अपोज भी। और ये है व्हील कवर्स या अलॉय व्हील्स के ऑप्शन, इल्यूमिनेटेड कप प्लेट्स, फ्लोर पैटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। और ये है इसकी टेल लाइट्स, ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखती हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर। LED का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, नॉर्मल बल्ब मिलता है। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल, यूनिक डुअल स्प्लिट हेडलैम्प्स कुछ ऐसे दिखते हैं जलने के बाद, काफी बढ़िया। और ये साइड टर्न इंडिकेटर ORVMs पे, ये भी टॉप वेरिएंट का ही फीचर है, वी मॉडल में ये फीचर नहीं मिलता है आपको। साइड प्रोफाइल लुक एंड कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पूल साइड ब्लू, इसके अलावा आपको मिलता है नटमेग ब्राउन, ऑटम ऑरेंज, मैग्मा ग्रे, सिल्की सिल्वर एंड सुपीरियर वाइट जैसे कलर मिलते हैं आपको इस न्यू वैगन आर में। और ये इसका ये डिजाइन एलिमेंट जो बहुत एनहेंसिंग लुक देता है ओवरऑल गाड़ी को। और ये वैगन आर बनी है सुजुकी हार्टटेक प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है न्यू अर्टिका, डिजायर, स्विफ्ट, इग्निस एंड बलिनो जैसी गाड़ियाँ। प्लेटफॉर्म की वजह से इसका वेट 65 किलो कम हो गया है लाइटर प्लेटफॉर्म की वजह से। और ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक विद फॉग लैंप्स के साथ, फ्रंट फॉग लैंप्स आपका टॉप वेरिएंट का ही फीचर है। इस वाली वैगनर में एल और वी वेरिएंट में एक ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है, जिसमें आपको एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, फीचर्स लाइक पैसेंजर एयरबैग एंड सीट बेल्ट प्री टेंशनर एयर फोर्स लिमिटर जैसे फीचर मिलते हैं जो है स्टैंडर्ड ZXi मॉडल में। ये इसका इंजन बोनेट खुल के देखते हैं, यहाँ से खुलता है इंजन बोनेट। और ये वाला मॉडल आता है 1.2 K12M पेट्रोल इंजन के साथ, 4 सिलेंडर का ये इंजन है। इस वाली वैगन आर में अब 4 सिलेंडर का ये इंजन आता है, 82 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 113 Nm के साथ, 21.5 km/L की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, आता है 5-speed मैनुअल या 5-speed AMT के साथ। और एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन है जो पुराना इंजन है, उसमें आती है माइलेज 22.5 km/L, उसमें भी AMT और मैनुअल का ऑप्शन मिलता है आपको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ऑल न्यू वैगन आर 2019 ZXi मॉडल, आप इसको लेना पसंद करेंगे नहीं हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।